अभी सुबह के बज रहे 10:50 और हुआ क्या कि आज मेरा ना ऑफ था। रात में मेरे नीरज सर का कॉल आ गया, कह रहा है तेरा ऑफ कैंसिल हो गया, तुझे कल वर्डमार्क जाना है। और इसलिए वर्डमार्क भी मॉल है वो आरडी सिटी के आगे, वहाँ पे भी हमारा क्लोथ स्टोर है। वहाँ पे हुआ क्या, वहाँ पे ना एक स्टाफ है ना, वो एक छुट्टी में चले गए है, बस वो अकेला तो संभाल नहीं पाएगा। और इसकी जो बिलिंग मशीन है वो भी ख़राब हो गई, इसे उन्होंने मुझे भेज दिया यार। इन्हें सही पागलपंती कर दिया, मेरी छुट्टी थी, मुझे साके जाना था दोस्त के साथ, क्योंकि कुछ काम था यार, उसका इंटरव्यू था, वो मैं भी जाता, मैं भी अपना इंटरव्यू दे जाता हूँ, इतना पास ही है साकेत मॉल। इन्हें मेरी ऑफ ही कैंसिल कर दिया, अब वहाँ जाने के कोई राजी तो है नहीं। सर ने मेरा नाम ले लिया, मानव जाएगा, और मेरा ऑफ कैंसिल ही हो गया यार। चलो कोई बात नहीं, अब जाना तो पड़ेगा, सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा आरटी सिटी, क्योंकि उनकी बिलिंग मशीन ख़राब है ना, मेरे को वो लेनी पड़ेगी पहले, जिससे मैं बुक क्या कहते हैं बिल बुक बुक बिल बुक जो भी कहते हैं बिल बुक लेके, पहले बिल बुक लेनी है, फिर मुझे जाना है वर्डमार्क, और पहले मेरे को आरटी सिटी के लिए निकलना पड़ेगा, इसलिए मैं आज जल्दी निकल रहा हूँ। चलो भाई, आरडी मॉल तो मैं पहुंच गया, जल्दी से बिल बुक लेके फिर मैं निकलता हूँ वर्डमार्क के लिए। चलो भाई, मैं तो पहुंच गया वर्डमार्क, वो भी बहुत सुंदर वर्डमार्क है, स्टोर तो बहुत बढ़िया है हमारा। अब मैं पहले वॉशरूम जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने कपड़े भी बदलने हैं, इसलिए। वॉशरूम कहाँ है भाई, ये है क्या? हाँ नहीं, ये तो यहाँ होगा वॉशरूम शायद। चलो भाई, मैंने कपड़े वपड़े तो पहन लिए, अब लगता हूँ अपने काम पे। आज तो मैं नई जगह आया हूँ, वो भी नए क्रॉस वर्ल्ड में, अब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होगा। मैं ब्लॉग तो ज़्यादा बना नहीं पाऊँगा, ब्लॉग तो अपलोड तो मैंने कर दिया, मैं वहाँ से आया था और मैं जा यहाँ से रहा हूँ, पता नहीं कहाँ मैं भी भटक गया। पूमा भी है, एडिडास भी है, आरडी मॉल में दोनों भी नहीं है यार, बस वो हमारे पास होल्टीस में ये वाला नहीं है, ये तो है, ये भी नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है बस। यार इनके पास तो साकेत और हमारे वाले मॉल से बहुत ज़्यादा बुके हैं, जो हमारे पास नहीं है ना, जो इनके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है यार, हम तो इनसे बहुत ज़्यादा पीछे, बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे डेली एक दिन में 1.5 लाख की ये सेल करते हैं एक दिन में, तभी इनको हमको यहाँ भेजा। और इतना सारा सामान है ना, देख देख के हैरान हो गए यहाँ, तो हम तो कुछ भी नहीं है इनके आगे भी। ये देख लो हमारे पास टॉम गेट, हमारे तो यंगी फिक्शन पूरा ख़त्म हो चुका है, विपिन किड भी नहीं है ना, सुधा मूर्ति है ना, टॉम गेट है ना, पर्सी जैक्सन, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो इनके पास इतना कुछ है भाई। अब देखो ये भी हमारे पास, ये तो आई भी नहीं अभी तक, हम तो बहुत है। ये देखो हैरी पॉटर तो है, हम तो यहाँ पे हर बुक अच्छी अच्छी लगी हुई है यार, ये देखो कितनी बड़ी टेबल है। और यहाँ तो खाने पीने का भी हमारे स्टोर में ये भी नहीं है लगाने का, खाने पीने का, और बहुत कुछ है यार यहाँ। यहाँ पे वैसे दो सिस्टम लगे, एक ये लगा है, एक ये लगा है, हमारे पास तो एक ही लगा था वैसे तो, और प्रिंटर है। इनके पास बैग भी है और बहुत सारे पेन है यार, और यहाँ पे स्टेशनरी फुल भरी हुई है, फुल के फुल। हमारे स्टोर में वैसे कैंटीन है नहीं स्टोर के अंदर, इनके तो स्टोर के अंदर ही कैंटीन है बगल में, ये अभी दिखाता हूँ। ये रहा कैफेटेरिया, कहाँ से यहाँ पे ही ऐसा रूल है, कोई स्टोर रूम के अंदर खाना नहीं खा सकता, लंच नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे अलग से कैफेटेरिया बना हुआ है, मैं वहीं जा रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ है कैसा वहाँ का कैफेटेरिया। और जैसे हम अपने स्टोर में लंच करते थे ना, वहाँ नहीं कर यहाँ नहीं कर सकते हम यहाँ पे ऐसे लंच, यहाँ पे अलग से कैफेटेरिया दिया गया हुआ है लंच करने के लिए। मॉल तो बढ़िया है वो भाई, इनके स्टोर के अंदर कैंटीन है, हमारे स्टोर के अंदर कैंटीन भी नहीं है, इनके स्टोर के अंदर कैंटीन है यार, और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा यार यहाँ पे तो, सही है होनी भी चाहिए। हमारे स्टोर में क्या है, चाचा मैं नीरज हमेशा मजे में रहते हैं, अभी मुझे कैफेटेरिया तो मिल तो रहा नहीं है, बस मैं सीढ़ी में चढ़ा ही जा रहा हूँ। यहाँ पे तो कोई लंच तो कर नहीं रहा, यहाँ पे तो टेबल भी है कुर्सी भी है लंच करने के लिए, देखो यहाँ पे लंच करने के लिए अलग से कैफेटेरिया दिया गया है भाई, हम तो अपना लंच रोजवर्ड में स्टोर रूम में करते थे, यहाँ भाई कैफेटेरिया है। देखो भाई कितना ध्यान रखते हैं वर्डमार्क वाले स्टाफ का। मैंने लंच तो कर लिया, अब थोड़ा मॉल घूमते, पहले मैं अपने लंच बॉक्स को रख देता हूँ बैग में, फिर मैं पानी पी के फिर घूमूंगा पूरा मॉल, देखता हूँ है कैसा ही है। ये वर्डमार्क 3 है, वो वर्डमार्क 2 है, जैसे मई पार्क में वर्डमार्क है 1 2 3।
ये मॉल आरडी सिटी से तो बहुत आगे जाएगा। आगे क्या आगे आ जाएगा, आगे ही है, बहुत ज़्यादा आगे भाई। कितनी फैसिलिटी है यार सही में। आरडी मॉल तो इसके आगे कुछ भी नहीं है ना, हमारे स्टोर है इसके आगे कुछ। भाई मैं तो अपने स्टोर का रास्ता ही भूल गया। ब्रांड तो देखो भाई क्या क्या ब्रांड है भाई। एक दो है हमारे आरडी मॉल में, बाकी तो है ही नहीं। सामने हो रहा मेरा क्रॉसवर्ड। क्या क्या ब्रांड है भाई यहाँ पे, बस एक चीज़ की कमी है, ब्रांड बहुत कम है यहाँ। बस ब्रांड अच्छे अच्छे, बस ब्रांड कम है बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा यहाँ भी घुमाते हैं कैसा है यहाँ पे। ऊपर जाने का रास्ता क्या है, ये नहीं है, ये फूड कोर्ट है ये? नहीं 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 कुछ और है ये तो। आज तो मैं सारा मॉल घूम लूँगा भाई, बड़मा पूरा घूम लूँगा। आज देखता हूँ है कैसा यहाँ पे ब्रांड है कौन कौन से। बर्गर किंग तो है, सब्बे भी है हमारे वहाँ पे, और क्या क्या है यहाँ से ऐसा कुछ दिख। यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि स्टोर में पानी तो पी नहीं सकते, उस कैफेटेरिया बहुत दूर है, इसलिए यहीं पे पानी पी लेता हूँ, है ना। इसलिए मैं घूम भी लूँगा इसके बहाने। बस भाई यहाँ मेरा आखिरी दिन है, फिर मैं कल से आऊँगा नहीं, कल मेरा ऑफ है। आज मेरा साकेत मॉल में जाने का प्लान था, बस ये ना यहाँ पे एक स्टाफ आया ही नहीं, तो बस घूमते जाऊँगा भाई। बाद में जाऊँगा अपने स्टोर में, पूरा मॉल घूमना दूर से पहले। पूरा मॉल तो मैंने घूम लिया, बस कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा मॉल है ये, मैं जितना मेरे को पता है मैं पूरा। हमारे स्टोर को तो भाई डूब जाना चाहिए, मैं तो सच बता रहा हूँ। क्या यार क्या सीखेगा, मुझे तभी लग रहा है हमारे स्टॉक आ क्यों नहीं रहा, इसके चक्कर में नहीं आ रहा क्योंकि उसके डेली हो रहे 1.5 लाख की सेल। 1.5 लाख तो बहुत होता है, ये तो कम से कम 1 महीने में 30-40 लाख कमा रहा है। वर्ल्ड मार के एक भी स्टोर में हम पानी भी नहीं पी सकते, वो भी अंदर स्टोर के अंदर। पता नहीं क्या डिसीजन पी रही है, मुझे पानी पीने के लिए बाहर आना पड़ रहा है। ये है बुकाटी वेरोन जो हमारे स्टोर में नहीं है, अभी तक आई नहीं। साला वॉशरूम इतना दूर है, बार बार दूर जाना पड़ रहा है यार, पता नहीं पास में क्यों नहीं बनाया है। हमारे तो आरडी मॉल में तो बगल में ही है वॉशरूम। अभी बस मैं टाइम पास ही कर रहा हूँ और क्या। दो बंदे हैं, एक हाउसकीपर, एक मैनेजर, और एक बंदा है नहीं, और बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है यार। मैं रोज़ आने लग गया ना यार, यहाँ अब हमेशा टाइम पास ही होगा मेरा। अभी तुम्हारा भाई काउंटर संभाला है, वो भी एक सिस्टम नहीं, वो भी दो सिस्टम संभाला, दो। इतनी आसान बात नहीं है दो सिस्टम चलाना। अब मौज है यहाँ भी, बस यहाँ का जो मैनेजर है वो नहीं आया, तभी मैं मौज कर पा रहा हूँ। वो आता ना फिर मैं ब्लॉग व्लॉग कुछ नहीं बना पाता। हमारे आरडी मॉल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो यहाँ पे है यार, इतना प्यारा लग रहा है ना यार। देखो किसका मन नहीं करता यहाँ आने में, ऐसा आरडी मॉल में भी हो जाए ना मैं तो डेली आऊँ। यहाँ थोड़ी बहुत भीड़ तो हो रही है, यहाँ हर चीज़ खुली है, यहाँ का जितना भी स्टोर है ना सब बाहर की तरफ है, कोई अंदर की तरफ नहीं है। बस ये बाकी इतनी स्टोर है, कम से कम 20-30 हो गए स्टोर। अब उनका क्रॉसवर्ड यहाँ पे दो चीज़ की बड़ी दिक्कत है, एक है वॉशरूम। वॉशरूम इतना दूर है ना, जाने में 2 मिनट लग जाते, आने में 2 मिनट लग जाते, टोटल 4 मिनट। वो पीने के पानी की और दिक्कत है। हमारे तो क्रॉसवर्ड में आरडी मॉल में स्टोर रूम में ही पानी के लिए है, वो फिल्टर लगा हुआ है। इनका स्टोर रूम भी नहीं है ना, या पीने पानी की सब वो है सुविधा, हमको पीने पानी के लिए नीचे आना पड़ता है ग्राउंड फ्लोर में। अब मैं दिखाता हूँ है कब पीने का पानी का। स्टाफ के लिए पीने के पानी के लिए आरओ भी लगाया हुआ है, कि वो भी ठंडा पानी निकलता है। चलो भाई पानी की बोतल तो मैंने भर ली, अब चलते अपने क्रॉसवर्ड में। थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी, और मुझे सबसे पहले जाना है आरडी मॉल जाऊँगा शायद, फिर वहाँ से अपने घर। भाई मैं तो आ गया आरडी मॉल, अब यहाँ से जाऊँगा अपने घर क्योंकि चाचा छोड़ेगी उड्डा तक। चलो अभी पहले स्टोर तक पहुँच जाऊँ। आज तो BMW कार भी खड़ी है। चलो भाई अभी यहाँ स्टोर में जाऊँ पहले। अभी तो मैं हुड्डा सिटी में हूँ, बस सीधा मेट्रो पकड़नी है, वो साकेत उतर जाऊँगा, साकेत के बाद खानपुर, खानपुर के बाद पैदल घर। और वही है ना यार, आज मैं लेट ही आया हूँ क्योंकि वहाँ से लेट छुट्टी हुई थी बड़मार्ग से, मैं मज़ा आ गया घूमने में। आज तो मैं जूते दूसरे पहन के आया हूँ, और ये जूते छोटे पड़ गए यार, पाँव में दर्द मार रहा है। पता नहीं उंगलियों में क्या हुआ यार, मुझे लगा जूते छोटे हो गए, तभी उंगलियों में दर्द हो रहा है।